स्वागत है आपका आवाज़ न्यूज राजस्थान में। श्रीगंगानगर के गैसिमपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। गैसिमपुर कृषि उपज मंडी समिति में एसीबी की बड़ी रेड। आरोपियों कनिष्ठ सहायक मोहनलाल व संतलाल को किया ट्रैप। व्यापारी से लाइसेंस बनवाने की एवज में रिश्वत लेते ट्रैप। एसीबी के विजेंद्र शीला व वेद प्रकाश लखोटिया ने की कार्रवाई। गैसिमपुर में व्यापारी से लाइसेंस बनवाने की एवज में रिश्वत लेते एसीबी ने मंडी समिति के दो कनिष्ठ सहायक व मोहनलाल और संतलाल को किया ट्रैप। आपको बता दें कि आरोपियों ने परिवादी चेतन प्रकाश मित्तल से पक्की आड़त के लाइसेंस जारी करने के लिए एवज में निर्धारित फीस के अलावा मांगी थी खर्च पाने के लिए 10,000 रुपये। रिश्वत मांगी थी, जहां पर एसीबी के डीएसपी भूपेंद्र सोनी के निर्देश पर सीआई विजेंद्र शीला के नेतृत्व में कार्रवाई को अंजाम देते हुए दो कर्मचारियों को 10,000 रुपये की रिश्वत लेते ट्रैप किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रामस्वरूप नायक। परिवादी चेतन प्रकाश अग्रवाल ने एसीबी कार्यालय में आकर बताया कि वह कच्ची पक्की आड़त का गैसिमपुर में काम करना चाहता है और इसके लिए कृषि उपज मंडी समिति से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया प्रारंभ किए हुए है, लेकिन काफ़ी दिन होने के बाद भी और सारे कागजात देने के बाद भी वहां तैनात बाबू संतलाल और मोहनलाल मेरा लाइसेंस करवा रहे हैं। जब उसकी निर्धारित प्रक्रिया पूरी हो गई और लाइसेंस के लिए वह उससे मिला तो वह अवैध रूप से 10,000 रुपये रिश्वत की मांग कर रहा है, जिसका सत्यापन करवाया गया। सत्यापन होने के बाद आज उसे मोहनलाल को 10,000 रुपये देते हुए मौके पर ट्रैप किया गया और संतलाल की भूमिका भी संलिप्तता प्रमाणित होने पर दोनों को मौके से गिरफ्तार किया।